नमस्कार, प्रदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी अब तक 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। इससे पहले पार्टी पहली सूची में 8 और दूसरी सूची में 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। 28 सीटों पर इसके साथ ही त्रिकोणीय मुकाबले होने के पूरे आसार बन गए हैं। ग्वालियर चंबल में कई सीटों पर बसपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी हैं। इससे कुछ सीटों पर मुकाबले दिलचस्प होने के आसार राजनीतिक हलकों में लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का खतरे में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण काल के बीच राजनीतिक गलियारों से नेताओं के बयान चर्चा में सामने आते जा रहे हैं। इस बीच ही प्रदेश के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को चेतुआ की संज्ञा दे दी। उन्होंने कमलनाथ के चुनावी दौरे को लेकर कहा कि कमलनाथ फसल कटाई के समय खेतों में आने वाले चेतुए के समान है, जो फसल कटने के टाइम आते हैं। तो कमलनाथ जी वो शख्स है, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चेतुआ बोलते हैं। ये चेतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं, कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं। चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं, चेतुआ की स्थिति है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस तरह का बयान देना निंदनीय है, ऐसे पढ़े लिखे लोग मंत्री को शोभा नहीं देता, ये बहुत ही घटिया बयान है और वे स्वयं चेतुआ हैं। बहुत ही घटिया और हलकट बयान है ये, और एक ये पढ़े लिखे मंत्री को ये शोभा नहीं देता है, और वो स्वयं चेतुआ हैं। उन्हें बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश वो कब आए थे और किस संदर्भ में आए थे नरोत्तम मिश्रा जी, और वो इस बात का जवाब दें कि जो चैत काटने वास्तव में आई थी इमरती देवी उनके गांव में डबरा में, और वहां की वो जनप्रतिनिधि बन के मंत्री बन गई, मालकिन कैसे बन गई अगर उन्हें चैतुओं से इतनी तकलीफ है, तो वो तो वास्तव की चैतुआ थी। तो ये जब जब जो है आप अपने कंधों पे चैतुए बिठा के घूम रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो जो शर्मनाक है और हे हैं, ऐसे असभ्यता वाली बातें हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश का विकास किया है, कमलनाथ जी ने जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का विकास किया, रूपांतरित कर दिया। तुम्हारा मुख्यमंत्री अगर बुदनी को नहीं बदल पाया तो इसमें कमलनाथ जी की निंदा होनी चाहिए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री की निंदा होनी चाहिए? तुम अगर जो है दतिया और डबरा को नहीं बदल पाए, आज भी वहाँ पर वही सड़ी और जो है खड्डे वाली सड़कें हैं, तो इसमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि कमलनाथ जी को शर्म आनी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए, और नहीं तो ऐसे बयान रोज हम लोग देंगे उनके खिलाफ। भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने स्वर्ण महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर स्वर्ण समाज के लोगों में भारी नाराजगी है, जिसके चलते बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष सपा पार्टी ने फूल सिंह बरैया का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और कांग्रेस पार्टी से उन्हें निष्कासित करने की मांग की। सपा पार्टी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फूल सिंह बरैया को जल्दी निष्कासित नहीं किया गया तो फिर उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। बुधवार को पूर्व सीएम कमलनाथ अनूपपुर दौरे पर थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप उन्हें काले झंडे दिखाए। इस दौरान एक युवक ने उनके काफिले पर पत्थर भी फेंका। इसे कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ के ऊपर भाजपा द्वारा हमला किए जाने की बात कह रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा पर कई संगीन आरोप भी लगाए। गाड़ी तो पूरी गाड़ी थी, कांच लगे हुए थे और व्यक्तिगत किसी को लगा नहीं, पर अल्टीमेटली नियत क्या थी, सोच क्या थी? और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने से काफिला गुजरा तो नेचुरल है कि सभा में जा रहे थे कि इस महामारी में साड़ियां बांटी गई, मटके बांटे गए, शोभा यात्रा निकाली गई, पैसे बांटे गए, साड़ियां विधायक जो मंत्री जी वो बांट रहे हैं, इमरती देवी ने क्या क्या कहा कि कलेक्टर जिताते हैं, हम जिता देंगे, हम तो जीत जाएंगे, ये आप ही ने मीडिया के डोमेन में आया। ये सब बातें, ये सब घटनाएँ ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से साफ गोई से चुनाव लड़ भी नहीं सकती, जीत भी नहीं सकती। तो नेचुरल है वो प्रयास करेगी और वो कर रही है। इसी के लिए तो हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को सजग कर रहे हैं। मैं मानता हूं जनता देख रही है, सबक सिखाएगी। भांडेर में चुनावी सभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कांग्रेसी नेताओं पर FIR दर्ज होने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भाजपा रोजाना बड़ी बड़ी सभाएं और रैलियां कर रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भाजपा के इशारे पर FIR दर्ज कराई जा रही है। बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित
ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गरिशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में सांवेर समेत जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर शोभा यात्रा और राजनीतिक रैली में 100 से ज्यादा लोग भीड़ के रूप में जमा हो रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। रोकथाम के लिए जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा। इन आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। 2 सप्ताह में सरकार इस पर जवाब देगी। इस कोरोना काल में राजनीतिक आयोजनों में उमड़ रही भीड़ के खिलाफ दूसरी याचिका है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर खासगी ट्रस्ट के संचालकों में असंतोष है। उनका कहना है कि वे अदालत के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। ट्रस्ट की संपत्ति के विक्रय को लेकर दिए गए फैसले और की गई टिप्पणी पर एतराज बताते हुए ट्रस्ट के वकील जहां सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि कोर्ट के फैसले से ईमानदारी से काम कर रहे ट्रस्ट संचालकों का अपमान हुआ है। अदालत ने ट्रस्ट द्वारा दिए गए कई तर्कों पर विचार नहीं किया है, जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ सतना जिले के ग्राम पड़िया पहुंचकर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरेन्द्र जी ने भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर वादास्पद बयान दिया है। वे अपने जन्मदिन पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे थे। मंत्री ने कहा कि सत्ता जाने के बाद कमलनाथ और जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस ठटिया गई है। कमलनाथ छिंदवाड़ा के कुएं के मेंढक हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बैंड बजाने का, कॉलेज ढोल चराने का ट्रेनिंग सेंटर खोला है। अब सभी कांग्रेसी बेरोजगार हो गए, इसलिए कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा जाकर बैंड बजाने और ढोल चराने की ट्रेनिंग लेकर अपनी बेरोजगारी को दूर करें। आईआईटी इंदौर ने अपने ताजा शोध के आधार पर चेताया है कि कोविड-19 वायरस अब तक जितना सोचा गया है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। शोध में कहा गया है कि कोविड-19 वायरस मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखता है। ठीक हो चुके कोरोना मरीजों में लंबे समय बाद स्नायविक रोग लंबे समय के बाद सामने आ सकते हैं। आईआईटी के बायोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापकों ने कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद उसके न्यायविक प्रभाव से मुकाबले के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस का फोकस ग्वालियर, चंबल अंचल पर है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से इसी अंचल की सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। इस अंचल में चुनाव पर फोकस करने के लिए भाजपा ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है, जबकि कांग्रेस अभी तक अपना वॉर रूम तैयार नहीं कर पाई है। इसकी वजह यहां कांग्रेस में फाड़ भी बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उम्मीदवारों के नामांकन भरने के बाद वॉर रूम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि केंद्र ने सभी राज्यों को फैसला लेने को भी कहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही राज्यों को मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार करनी होगी। हालांकि इसे लेकर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की है। प्रदेश में जिस एसओपी के आधार पर 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, इसी आधार पर अभी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन होगा। राजधानी भोपाल में आज 292 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में 4 दिन से लगातार 300 से कम कोरोना केस आ रहे हैं। वहीं रिकवरी के मामले में भोपाल प्रदेश में सबसे आगे निकल गया है। 6 महीने में पहली बार सीएम हाउस में कोरोना का केस सामने आया है। यहां पर बुधवार को एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गरिशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।